हेलो स्टूडेंट्स वेलकम हियर अगेन चैनल एमओपी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अं गल करें एम दे विच मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ प्लस 1 कॉमर्स एंड स्पेसिफिकली फॉर वोकेशनल स्टूडेंट्स एज वेल कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने जो डिटेल ਇਸਦੇ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੀਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਟਸ ਗੋ ਅਨਰ ਸੋ ਲੈਚ ਕੁਇਸਚਨ ਇਜ਼ ਆਫ 2 ਮਾਰਕਸ ਲੈਟਸ ਕਾਊਂਟ ਯੋਰ ਮਾਰਕਸ ਟੂ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਆਪ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਐਡ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਬੜਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਯਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸ਼ਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਮਓਪੀ ਐਮਓਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸ਼ਨ ਥੇਰ ਆ ਫੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮਾਡਰਨ オリジナル ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਾਡਰਨ ኦਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਨ ਜੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਜਦੋਂ ਐਬ੍ਰਿਵੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਓਪੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ आंसर इज पता सारूचो वन टू थ्री मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस दैट इज दिस क्वेश्चन जिन्हों का ठीक है दो नंबर ऐड करो आओ जिन्हा ठीक नहीं एक बार फिर नंबर बढ़ाने बढ़िए नैक्सट वन स्टूडेंट्स फैसिलिटेट दफ्तर का उद्देश सहूलत देना है किसू किस किसूलत देना है इस तरह हिंदी क्वेश्चन लिखा हुआ का है कार्यालय का उद्देश्य है सुविधा प्रदान करना है भाई किसको सुविधा देनी है दफ्तर ने चार ऑप्शन एक बार फिर मेकिंग फैसला लेने में या निर्णय लेने में सुविधा देनी है ये ऑफिस का ऑब्जेक्टिव है अदर डिपार्टमेंट department, दूसरे डिपार्टमेंट्स को फैसिलिटेट करना है जिसे अन्य विभाग या पंजाबी छोर विभाग कह सकते हैं फ्लो ऑफ वर्क कम द फ्लो सही बना रहे कम द प्रवाह कार्य का प्रवाह सही ढंग से चलता रहे उसके बीच फैसिलिटेट करना की दफ्तर का उद्देश्य होता है डी है ऑल ऑफ द वरब ये सारे आंसर सोचो मेनू पता है थाने आंदा है यस 1 2 3 आंसर इज ऑल ऑफ द वरब द चॉइस इज डी यस ऑल ऑफ द वरब उपरोक्त सारे ऊपर के सभी के सभी जो है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं भी ऑफिस के ध्यान रखना तो एक बार फिर दो नंबर आप सबके आगे होंगे मुझे लगता है सहायता नहीं करता क्वेश्चन ध्यान समझो एमसीक्यूज यही होंगे कि अभी क्वेश्चन कई बार कोई वर्ड मिस कर जाने इतने भी हिंदी ची देखिए ऑफिस किसमें मदद नहीं करता चार ऑप्शन फिर दिते हुए फर्स्ट ऑप्शन इज कम्यूनीकेशन मतलब ऑफिस अगर हम सोचें कि, अगर ये आंसर होता तो हम कहते ऑफिस कम्युनिकेशन संचार में सहायता नहीं करता सेकंड एंटरटेनमेंट मनोरंजन में सहायता नहीं करता कोऑर्डिनेशन तालमेल एस्टेब्लिश करने में एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट या वहां कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन में हेल्प नहीं करता क्या कस्टमर सर्विसेज जो ग्राहकों को डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है क्या उसमें सहायता नहीं करता सोचिए इसमें से चार जो ऑप्शन है ऑफिस ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से किस में ऑफिस हेल्पफुल नहीं होता फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आंसर एंटरटेनमेंट बी आई थिंक ये आंसर आपका ठीक होगा नहीं तो नेक्स्ट टाइम के लिए इसको ध्यान से रखना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑफिस है वो एंटरटेनमेंट मनोरंजन में हेल्पफुल नहीं होता क्वेश्चन ये था तो दो मार्क्स सुन के जिनका ये ठीक था तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन जल्दी जल्दी से ऑफिस वर्क इज विद विच कार्यालय का काम किससे संबंधित होता है दफ्तर का काम जिस नाल संबंधित है? किस किस चीज नाल संबंधित है दफ्तर का काम रिकॉर्डिंग ए ऑप्शन बी ऑप्शन कंप्यूटिंग सी ऑप्शन प्लानिंग डी ऑप्शन ऑल ऑफ क्या जो दफ्तर है उसका कार्यालय डिफरेंट टाइप का जो रिकॉर्ड है उसकी रिकॉर्डिंग करना है कंप्यूटिंग करना है योजनाबंदी योजनाएं बनाना है, है या ये सारे के सारे जल्दी से सोचो यस वन टू थ्री मुझे लगता है आपने सोच लिया होगा फिर से ये सभी के सभी दफ्तर का कार्य है इन सभी से संबंधित होता है अभी रिकॉर्डिंग में भी कंप्यूटिंग में भी प्लानिंग में भी क्लियर तो दो मार्क्स और एड कर लीजिए भाई नंबर ऐड करना मत भूलना। कार्यालय का व्यवसाय में कौन सा स्थान है दफ्तर व्यापार जगह रखता है सब तो इंपॉर्टेंट थोड़ी जी घट बहुत ज्यादा कुछ यह होंगे आओ इ देखिए ऑप्शन कि ने सब तो पहला ऑफिस आकुपाइज प्लेस इन बिजनेस दफ्तर व्यापार विच जगह रखता है पहली ऑप्शन है ए प्राइमरी बी सेकेंडरी सी बेसिक और डी नन ऑफ दीज प्राइमरी सेकेंडरी या आधारभूत जिसे बेसिक कहते हैं या इनमें से कोई भी नहीं प्राइमरी होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो से गोन जिसको कहते हैं बेसिक और अन्य के रूप में इसको ले सकते हैं किसी और ढंग से भी ये जो फंडामेंटल्स होते हैं उसके हिसाब से ऑफिस की कोई इंपॉर्टेंस है जो बेस्ट ऑप्शन है हमने वो चुनना है कई बार हमें ये स्टूडेंट्स मन में कंफ्यूजन आता है कि ये तो दो लगते हैं जो बेस्ट है हमने वो चॉइस करना होता है तो सोचा आंसर आपने यस वन टू थ्री यस आंसर इज ए प्राइमरी पोजीशन ऑफ ऑफिस यस जो ऑफिस है वो किसी भी बिजनेस हाउस में उसका जो प्लेस है वो प्राइमरी प्लेस होता है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस जिसे हम प्राइमरी या हिंदी में प्राथमिक स्थान कहते हैं तो स्टूडेंट्स दो मार्क्स और जिनके हो गए वो खुश हो जाओ जिनके नहीं हुए वो भविष्य के लिए खुद को तैयार कर लो नेक्स्ट वन नंबर सिक्स क्वेश्चन ऑफिस जॉब इज डैश दफ्तर या दफ्तर नौकरी एक डैश है ऑफिस का काम डैश है क्या है भाई ऑप्शन तो देखें ए आर्ट क्या दफ्तर का काम एक कला है बी साइंस क्या विज्ञान है सी ऑप्शन बहुत क्या आर्ट और साइंस दोनों है डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं है तो स्टूडेंट्स आप सोचो जरा जो दफ्तर में करने वाला कार्य होता है वो स्किलफुल एक्टिविटीज होती हैं वो क्या है इसमें से ऑप्शन होगा समझ गए होगे थ्री वट इज योर आंसर आओ मैच करते हैं स्टूडेंट आंसर इज ए आर्ट यस जो दफ्तर का काम होता है वो आर्ट है एक कला जो स्किल है ना वो कला होती है अभी ये ध्यान रखना जो बेस्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में वो है आर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th स्टूडेंट, भाई दो नंबर ऐड करना मत भूलना अपने आपसे स्कोर पूछने वाला हूं कितना हुआ 7th इज लोकेशन ऑफ एनी ऑफिस इंपोर्टेंट फैक्टर क्या किसी कार्यालय का स्थान महत्वपूर्ण कारक होता है या पंजाबी जी ऐसे कहिए कि किसे दफ्तर की जगह महत्वपूर्ण है सोचो ऑप्शन कीने हूं ध्यान सोचो ए नो no. वो कहते हैं दफ्तर का जो स्थान है वो कोई महत्वपूर्ण कारक नहीं है नो का मतलब ये हुआ यस यस का मतलब हुआ महत्वपूर्ण स्थान है सी बोथ यस और नो दोनों हो सकता है इधर भी ना उधर दोनों इन बिटवीन नन ऑफ दीज इनमें से कहते कोई भी ऑप्शन नहीं है भाई हो सकता है कोई और कुछ को सोचता हो तो स्टूडेंट सोचो जल्दी से क्या आंसर है मुझे लगता है आपको ये भी डिसाइड कर चुके होंगे वन टू थ्री लेट्स सी द आंसर यस आंसर इज बी बी ऑप्शन इज यस इसमें कोई शक नहीं है विद्यार्थी मैं आप सभी से जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे एक बात कहता हूं कि जो दफ्तर का स्थान है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ऑफिस की कार्यशैली के लिए सो द आंसर इज यस नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स एट्थ क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अब हम इस जाते हुए, question, of कौन सा कार्क किसी कार्यालय के आकार को प्रभावित नहीं करता जो ऑफिस का आकार होता है ना वो बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है ना भाई हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो ऑफिस के साइज को इफेक्ट नहीं करता प्रभावित नहीं करता केड़ा कारक किसी दफ्तर आकारा कारक किसी दफ्तर के आकार प्रभावित नहीं करता फर्स्ट ऑप्शन स्केल ऑफ बिजनेस व्यापार साइज़ कैपिटल अवेलेबल पूंजी दी उपलब्धता नेचर ऑफ बिजनेस व्यापार का स्वभाव या व्यवसाय की प्रकृति जिन्होंने वातावरण है स्टूडेंट जल्दी से सोचो इनमें से कौन से आपको लगता है कि डायरेक्टली ये तो इफेक्ट करते ही करता है हमने बताना है डजेंट इफेक्ट जो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन लगती है वो सुनो जल्दी से सोचो वन टू थ्री आंसर डिसाइड कर चुके होंगे आप देखते हैं आंसर क्या स्टूडेंट्स लेट सीट्स इसका आंसर है डी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो इन सब में से सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ये ज्यादा ऑफिस के साइज को इफेक्ट नहीं करता क्लियर हुई मेरी बात स्टूडेंट्स आगे बढ़े अब विच आर द फंक्शन ऑफ एन ऑफिस एक कार्यालय के कौन कौन से कार्य हैं दफ्तर केड़े काम होंगे भाई असि ऑप्शन दसनी है ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਫਰਸਟ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣਾ थोड़े सब तो बेस्ट ऑप्शन किया जल्दी ना सोचो वन टू थ्री मिल लगता डिस, है बेस्ट सुटेबल आंसर टू आंसर इज सी ऑल ऑफ दीज का मतलब हो गया जो सी के अलावा मतलब सी तो आंसर बना जितने भी और तीन दिए हुए हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रिजर्विंग रिकॉर्ड ये सारे के सारे ऑफिस के कार्य है जो हमें यहाँ पे ऑप्शन के रूप में उपलब्ध करवाए गए हैं तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपके मार्क्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे और जल्दी से इस एमसीक्यू हम एमसीक्यू जो टेस्ट है इसके अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं आ, है भी दसवा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू माई नार्ड ऑफिस इज ऑफ एनी बिजनेस डैश तो भूल ही गए ध्यान से पढ़ो According to Maynard, office is of तो the dash of any business. Maynard के अनुसार कार्यालय किसी भी व्यवसाय का डैश होता है वही पंजाबी चीज अनुसार दफ्तर किसी भी कारोबार का डैश हों ऑप्शन ने तो जरा दफ्तर है किसी बिजनेस मैमरी हों ऑप्शन यादाश्त समृति जिसन अहने हिंदी या उसका उस हार्ट हों जिमें मनुखी शरीर च दिल होंगे या फिर ब्रेन होंगे दिमाग मस्तिष्क जिसको हिंदी में कहते हैं ननोह दीज या इसमें से कुछ भी नहीं होता आपको जो बेस्ट ऑफ आपको ऑप्शन लग रही है एक बात ध्यान रखो इसमें यहां हमारी ऑप्शन नहीं चलने वाली थी जो मैनार्ड है स्कॉलर है जो एमओपी के बारे में ऑफिस के बारे में बहुत सी बुक्स उसने लिखी हैं उसके अपने व्यूज हैं ने क्या कहा है हमने ये बताना है मैनार्ड के अनुसार जो ऑफिस है वो बिजनेस का क्या होता है जल्दी से सोचिए ऑप्शन सोच लिया होगा वन टू थ्री व्य आंसर आओ देखते हैं यहां आंसर क्या आंसर आंसर इज मेमरी यादाश्त आंसर तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपके भी दस के दस क्वेश्चन ठीक होंगे और आपके भी ट्वेंटी में से ट्वेंटी मार्क्स होंगे अगर नहीं तो ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखें ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में बड़े हेल्पफुल होंगे और स्टूडेंट्स एक बार ध्यान रख लें जिनके कम मार्क्स है वो लगातार इस चैनल पर बहुत सी वीडियोज हैं उन वीडियोज को देखते रहें आपके रिजल्ट्स हमेशा के लिए अपवर्ड ही रहेंगे थम्स अप करते हैं आपको बहुत सी बेस्ट विशेष के साथ कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माई चैनल जानकारी हित टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियोज ऑन दिस चैनल सो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच